नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 18 देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 70,126 नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एक तरफ वंशवादी पार्टियां तो दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य सुधारने की दिशा में काम करे सरकार। 24 घंटे में विकराल हुआ चक्रवात, गुजरात की तरफ बढ़ रहा बिपरजॉय साइक्लोन। सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री तट पर किया गया ऑरेंज अलर्ट जारी। बिपरजॉय चक्रवात का रेलवे पर भी असर, पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनों का परिचालन कैंसिल, कई रूट डायवर्ट। आपदा प्रबंधन को लेकर स्टेशनों पर टीम तैनात। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग पर 14 घंटे बाद पाया गया काबू। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने की आग बुझाने की पुष्टि, हादसे में करोड़ों का नुकसान। सतपुड़ा भवन में आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत, सेना एसडीआरएफ सीआईएसएफ सहित सभी एजेंसियां रात भर कोशिशों में जुटी रहीं। अग्निकांड में अहम दस्तावेज जले, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सतपुड़ा भवन आग हादसे पर सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री आवास में की रिव्यू मीटिंग, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारी शामिल। सतपुड़ा भवन में आग मामले की जांच के लिए टीम गठित, सीएम शिवराज के निर्देश पर मौके पर पहुंची टीम। एसीएस होम राजेश राजौरा का कर रहे मामले की जांच। आगजनी कांड को लेकर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान, सतपुड़ा भवन में नहीं थे आग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम, स्वास्थ्य और ट्राइबल विभाग के दफ्तर में लगी थी आग। सतपुड़ा भवन अग्निकांड पर पूर्व सीएम कमलनाथ का सवाल, बिल्डिंग में आग लगी या लगाई गई, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, मामले की स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए जांच। सतपुड़ा भवन हादसे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा हर बार चुनाव से पहले इस तरह आग लगती है, कई संदेहों को जन्म देती हैं ऐसी घटनाएं। सतपुड़ा भवन आग हादसे को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बोले नरोत्तम मिश्रा, वहां 4,000 कर्मचारी करते हैं काम, ऐसे में कौन लेकर जाएगा पेट्रोल, हादसों पर राजनीति कर रही कांग्रेस। सतपुड़ा भवन हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, डिजिटल जमाना है, फिर से रिक्रिएट कर लेंगे सभी फाइलें, कमेटी 3 दिन के अंदर देगी हादसे की रिपोर्ट। सतपुड़ा भवन हादसे पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का जवाब, बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा कांग्रेस तो लाशों पर भी राजनीति करती है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद मामले पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्कूल में मिला है अवैध निर्माण, अब बुलडोजर चलाए जाने की जताई जा रही आशंका। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र चावल ले या ना ले, हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे, झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही बीजेपी। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण, धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और अन्य समाज में आक्रोश। धर्मांतरण पर अरुण साव के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पलटवार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ में दिखता है धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में पीएसपी घोटाले को लेकर बीजेपी का आंदोलन जारी, बीजेवाईएम का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से करेगा मुलाकात, जांच की मांग को लेकर देंगे ज्ञापन। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, कमलनाथ आवास पर विधानसभा चुनाव 2023 वचन पत्र कमेटी की बैठक, वचन पत्र को अंतिम रूप देने पर चल रहा विचार विमर्श। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शेयर किया पोते सहस्त्रजय का वीडियो, वीडियो में भाषण देते नजर आए 6 साल के सहस्त्रजय, लोगों ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। ग्वालियर में पहाड़ी के पास मकान पर पलटा ट्रक, हादसे में घर में मौजूद मां बेटी घायल, दोनों को इलाज के लिए भेजा गया जयरोग अस्पताल। दमोह के गंगा जमुना स्कूल अतिक्रमण हटाने गई टीम वापस लौटी, टीम से प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने कहा 3 दिन बाद हटाया जाए अतिक्रमण। अंबिकापुर से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 120 लोगों को दिया गया वन अधिकार पट्टा, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र। बीजेपी के टिफिन पॉलिटिक्स पर सीएम भूपेश बघेल का हमला, 15 साल तक कार्यकर्ताओं को पूछे होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, कार्यकर्ता को खाने तक के लिए नहीं पूछ रहे। दुर्ग में चार्ज करने के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, आग में जलकर खाक हुई स्कूटी, लपटों की चपेट में आए कार भी हाल।
दुर्ग में परिवहन टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा, एक ही नंबर से दो ट्रेलर चल रहा था ट्रांसपोर्टर, पुलिस ने दोनों ट्रेलर्स को किया जब्त। अब ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी के खिलाफ मामला। सिंधिया और दो मंत्रियों के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, शासन द्वारा आज जवाब पेश न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपने लोकसभा क्षेत्र में टिफिन बैठक की, कटनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन, प्रदेश अध्यक्ष ने नाराज कार्यकर्ताओं से भी की बात। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर चलते ट्रक में भीषण आग लगी, चना लेकर अमरावती से नेपाल बॉर्डर जा रहा था ट्रक, छपारा थाने के बंजारी घाट के पास हादसा। बुरहानपुर में ताप्ती जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन फूटी, पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी बढ़ रहा। दमोह में गंगा जमुना के नौ फर्मों पर एक्शन, स्टेट जीएसटी की सागर जबलपुर दमोह की टीमों ने की कार्रवाई, 78,68,000 रूपये की टैक्स चोरी का खुलासा। राजनंदगांव के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, NH-53 पर सीआरसी बिल्डिंग का करेंगे अवलोकन, वरिष्ठ नेताओं के साथ टिफिन बैठक भी करेंगे, लाभार्थी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भिंड एसपी ने दो आरक्षकों को किया सस्पेंड, कांस्टेबल पर शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की मिली थी शिकायत, शरीर पर चोट के निशान दिखने के बाद कार्रवाई। मंडला बाईपास के पास आक्रोशित ग्रामीणों ने किया NH-30 पर चक्का जाम, हाईवे के दोनों तरफ लगी रही वाहनों की लंबी कतारें, चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाने, सीसीटीवी लगाने की मांग। रायपुर में जिला अस्पताल कालीबाड़ी में बड़ी लापरवाही, अस्पताल पार्किंग में बन रही मरीजों की पर्ची, पार्किंग ठेकेदार को पर्ची काटने का जिम्मा, मरीजों की जान से खिलवाड़। बलरामपुर में बीजेपी के पांच पार्षद पार्टी से निष्कासित, राजपुर नगर पंचायत के पांच पार्षद सस्पेंड, अविश्वास प्रस्ताव में क्रॉस वोटिंग करने पर कार्रवाई। बलरामपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने नाबालिग से सुनसान जगह पर की दंडी। रायपुर जिला अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार, अस्पताल में डॉक्टर सहित संसाधनों की भारी कमी, अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के अलग होने से बढ़ी परेशानी। अंबिकापुर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, कांस्टेबल प्रेमी के शादी करने से थी नाराज, खुद को युवती ने घर के कमरे में किया बंद, सुसाइड करने की धमकी दी। राजनांदगांव में रेत में महिला की लाश मिलने से सनसनी, बसंतपुर थाना क्षेत्र के त्रिवेणी परिसर के पास मिली लाश, महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कोरवा जनजाति में शादी की अनोखी परंपरा, कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण युवक युवतियों का कराया जाता है मिलन, पसंद आने पर साथ रहने लगते हैं जोड़े, फिर बिना शादी ही बस जाता है घर। जगदलपुर में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, सूचना के बाद गांव में फैली सनसनी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी बोधघाट पुलिस। राजनांदगांव में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के दो तस्करों को अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार, जब्त शराब की कीमत करीब 4,00,000 रूपये। गरियाबंद में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जिले में तेज बारिश शुरू, तेज बारिश और हवा से कई जगहों पर पेड़ गिरे, पिंगेश्वर राजे मैनपुर सहित कई इलाकों में बारिश। सूरजपुर के बटगांव में चोरों का आतंक, एक ही रात में पुलिसकर्मी की बाइक से 3 मोटरसाइकिल की चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। धमतरी के केरेगांव रेंज के पास हाथियों ने डाला डेरा, बनरौद के पास दिखे 3 दंतेल हाथी, आसपास के गांवों को किया गया अलर्ट, निगरानी कर रहा वन अमला। रायगढ़ में हथियार लहराने का आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, बीते दिनों आरोपी ने विवाद के बाद लहराया था हथियार। अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज, संभाग के मंत्री विधायक पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। बलद बाजार में गर्म पानी गिरने से झुलसा 4 साल का मासूम, मां के हाथ से बच्चे के शरीर पर गिरा खौलता हुआ पानी, 30% झुलसा। कोरबा में भारी वाहन ने स्कूटी सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 4 नाबालिगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम।
मनेंदगढ़ में रफ्तार का कहर, अलग अलग हादसों में 4 घायल, कहीं बाइक्स के बीच टक्कर तो कहीं अनियंत्रित कार ने युवतियों को चपेट में लिया। मुंगेली में मनियारी नदी से धड़ल्ले से हो रहा अवैध रेत खनन, जान जोखिम में डालकर नदी से रेत निकाल रहे लोग, लोरमी इलाके के जनमही बकर्रा गांव का मामला। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, पटवारियों की हड़ताल से राजस्व संबंधी कार्य ठप, प्रदेश सरकार ने लगाया है एस्मा। सीधी जिले के कई गांव विकास से आज भी कोसों दूर, ताल गांव की सैकड़ों की आबादी को बिजली पानी सड़क की समस्या, आजादी के बाद से आज तक ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित। समता एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, रायपुर निवासी युवक का पिटाई में गंभीर रूप से घायल, बैतूल के जिला अस्पताल में इलाज जारी। खरगोन में 8वीं के ड्रॉपआउट छात्र में गजब की प्रतिभा, बच्चे ने 11 महीने में 7,000 की लागत से बनाया शानदार रोबोट, 5 किलो तक वजन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है रोबोट। कोंडागांव की केशकाल घाटी में लगा लंबा जाम, ट्रक खराब होने के बाद से जाम का आलम, देर रात से जाम खुलवाने की कोशिश जारी। और इस बीच मुंबई से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, टैंकर में आग लगने की वजह से हादसा, तस्वीरें आप देखिए, आग से पूरा टैंकर जलकर खाक हो चुका है, हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया, लोनावला के परमार अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए मुंबई की, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जहां पर यह बड़ी दुर्घटना हुई है, टैंकर में अचानक से आग लग गई और धीरे धीरे कर इस आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आप देखिए, पूरा टैंकर जलकर नष्ट हो चुका है, 4 लोगों की इस घटना में जान चली गई। ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अस्पताल में इलाज लगातार जारी है, लोनावला के परमार अस्पताल में फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। आग लगने की जो तस्वीरें सामने आई आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 4 लोगों की जान चली गई है, टैंकर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है, किस वजह से आग लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि बढ़ाई गई है, अब 10,000 की जगह 12,000 रूपये किसानों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि में 2,000 रूपये बढ़ा दिए हैं, 4,000 से बढ़ाकर अभी राशि 6,000 कर दी गई है और अब किसानों को 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बराबर ही राशि हो चुकी है। किसान भाइयों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे, केंद्र सरकार की तरफ से भी 6,000 और इसी के चलते अब 12 माह के हिसाब से किसानों को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैंने कहा 1,000 दूंगा तो 1,000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4,000 दूंगा तो 4,000 दिए, अब कह रहा हूं 6,000 तो 6,000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है, अरे सबको विश्वास है। और अब चिरमिरी से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम चिरमिरी का घेराव किया गया है, बीजेपी ने नगर निगम का घेराव किया है, महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, दूषित पानी की सप्लाई का विरोध किया जा रहा है, ठेका मजदूरों के वेतन भुगतान की भी मांग रखी गई है, कई और अन्य समस्याएं हैं जिन्हें लेकर यह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है जिन्होंने लगातार कोशिश की कि कार्यकर्ताओं को शांत करवाया जा सके, कुछ हद तक सफल भी हुए लेकिन उसके बावजूद नारेबाजी लगातार चलती रही। तो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां वनवासियों और युवाओं को सीएम ने बड़ी सौगात दी है, 120 लोगों को वन अधिकार पट्टा मुहैया करवाया गया है, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र दिया गया है, बेरोजगारी भत्ते के पात्र युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया, जहां फॉरेस्ट आईट एक्ट पट्टा भी दिया गया जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे, और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं अति पिछड़ी जनजाति उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया, और सरकार ने निर्णय लिया था कि इन्हें सीधी भर्ती की जाएगी, तो वो जिनको जिनके नियुक्ति पत्र जिनकी जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया, और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और सरगुजा जिला पहला है जहां उनको प्रशिक्षण करके प्रशिक्षण देके उसको जॉब। और बात करेंगे कोरबा की, जहां वाटर प्लांट में निवेश के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। बिलासपुर पुलिस ने दंपति को बालको नगर से गिरफ्तार कर लिया है। वाटर प्लांट में निवेश करने और 6 माह में पैसा डबल करने का झांसा दिया गया था। ठग दंपति को बिलासपुर लेकर आई पुलिस। कांकेर की अब चर्चा, जहां मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुई थी जिसकी अब पहचान हो चुकी है। एरिया कमेटी सदस्य सुनीता 5 लाख की इनामी नक्सली थी। नक्सली लीडर बलदेव के सहयोगी के रूप में पहचान हुई है। नक्सली के शव को 12 किलोमीटर पैदल लेकर जवान पहुंचे थे। और बुलेटिन में ताही देखते रहिए न्यूज 18।